इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। सिक्के हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सिक्कों का चलन हालांकि अब भारत में कम हो चुका है, पर एक समय ऐसा था जब सिक्कों का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था। सिक्कों का हम रोज उपयोग तो जरूर करते हैं, पर यह हम कभी नहीं सोचते कि इन सिक्कों के पीछे भी कई दिलचस्प कहानियां छिपी हुई हैं। मुद्रा शास्त्र या न्यूमिज्मैटिक्स सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह और उसके अध्ययन का विज्ञान है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृति को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम है। मुद्राओं की धातु, शिल्प और प्रतीकों के माध्यम से उनका काल और मूल्य निर्धारण किया जाता है और उनके सूक्ष्म अध्ययन से उस समय के समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। आज मुद्रा शास्त्र एक काफी लोकप्रिय शौक बन चुका है और एक साधारण सा दिखने वाला सिक्का भी लाखों में खरीदा और बेचा जाता है। हमने बात की एक मुद्रा शास्त्री से, जिन्होंने हमें प्राचीन सिक्कों के मूल्य समझने में मदद की। जो पुराने सिक्के थे, जो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस के पहले चलते थे, उसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसे हमें उस समय के बारे में पता चलता था। जैसे कि अगर आप मुग़ल कालीन के सिक्के देखें तो औरंगज़ेब के पहले के जो सिक्के थे उनके ऊपर आपको कलमा दिखेगा। कलमा से आपको ये समझ में आएगा कि उस समय का प्रचलित रिलीजन, या आप बोलें या राजा जो रिलीजन प्रोत्साहित करना चाहता था वो इस्लाम था, क्योंकि वो खुद मुसलमान थे। अगर हम उससे पहले जाएं और हम देखें, जब हिंदू साम्राज्य चल रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, तब अक्सर आप देखेंगे कि उन सिक्कों के ऊपर आपको हिंदू देवी देवता दिखेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखें सिक्कों के ऊपर, आपको भाषा भी दिखेगी, क्या लिपि चल रही थी उस दौरान। तो पहले आपको देवनागरी दिखेगी, उसके पहले आपको ब्रह्मी दिखेगी, बीच में खारोष्टी भी दिखेगी। तो इसी प्रकार सिक्कों से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे क्या धातु प्रचलन में था उस समय। अब सोने, चांदी, तांबे के सिक्के हिंदुस्तान में चलते थे, लेकिन कुछ समय ऐसा था जब चांदी की अवेलेबिलिटी या चांदी उस मात्रा में मिल नहीं रहा था, तब राजाओं ने चांदी के सिक्कों को सब्स्टिट्यूट किया, मतलब दूसरे सिक्के लेके आए चांदी के सिक्कों की जगह। तो जैसे यही सब चीज़ें हमें सिक्कों से पता चलती है, और यही फिर लोगों को आकर्षित करती है पता करने के लिए कि उस दौरान क्या चल रहा था। सिक्के की असली कीमत एक कलेक्टर के ऊपर ही बेस्ड होती है। अब ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जो कम छपे हैं या ज़्यादा मात्रा में मिलते नहीं हैं, लेकिन उनके कलेक्टर इतने ज़्यादा हैं नहीं, जिसकी वजह से वो मौल्यवान नहीं है। और इसमें इकोनॉमिक्स का बेसिक चीज़ ही चलता है, डिमांड सप्लाई। अगर मुझे एक सिक्का चाहिए और आपके पास वो सिक्का है और आपको ये पता है कि मुझे वो सिक्का चाहिए, तो आपकी कीमत रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स प्राइस तो है नहीं। और सिक्कों की जो प्राइस है वो कोई बॉडी गवर्न नहीं करती। हाँ, लेकिन 10-15 डीलर हैं जो ऑक्शनियर्स हैं, और अगर आपके पास कोई सिक्का आता है आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि इस सिक्के की मैं इतनी कीमत दे सकता हूँ। अगर आपके अंदर जुनून है और आपको वो सिक्का लेना ही है, तो आप किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, और जो भी विक्रेता या सेलर प्राइस बोल रहा है आप वो प्राइस दे के वो सिक्का खरीद ही लेंगे। मोहित ने ऐसे कई सिक्कों को इकट्ठा किया हुआ है, कुशान साम्राज्य के सिक्कों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों तक। मोहित हमें बताते हैं चंद सिक्कों के पीछे छिपी हुई कुछ दिलचस्प कहानियाँ। कुशान के सिक्कों की खासियत यह है कि उसके ऊपर आपको ईरानियन डेटीज मिलेंगे, ईरानियन भगवानों के नाम,
और उनका चित्र मिलेगा उनके ऊपर। जैसे अब ये सिक्का कनिष्का का सिक्का है, ये कनिष्का द थर्ड का, और इसके ऊपर ईरानियन डेटी ओइशो का चित्र बना हुआ है। और ओइशो जो है वो अक्सर एक बैल के साथ दिखाया जाता है सिक्कों के ऊपर, जिसकी वजह से हम उसे हमारे शिव भगवान के साथ रिलेट करते हैं। ये सिक्का जहांगीर का है और इस सिक्के के ऊपर इंग्लिश जोडियक साइन लियो बना हुआ है। अब जहांगीर एक काफ़ी सेक्युलर किस्म का राजा था। जहांगीर काफ़ी अट्रैक्टेड थे ये इंग्लिश रिलीजन के साथ, तो तभी इंडिया के अंदर जेसुआ प्रीस्ट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, और जहांगीर उनको अपने दरबार में इनवाइट करते थे और उनसे वार्तालाप करते थे, क्या हो रहा है, कैसे रिलीजन होता है उसके बारे में पूछते थे, और फिर उसके उस थॉट के ऊपर वो इतना इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि उन्होंने एक पूरी जोडियक सीरीज़ के कॉइन्स बनाए सोने में और चांदी में। सोने के सिक्के जोडियक सीरीज़ के काफ़ी महंगे होते हैं। एक दो सिक्के अभी ऑक्शन के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में बिके, तो ये काफ़ी रेयर सिक्के होते हैं। एक सिक्का जिसे हम बुलाते हैं निसार, तो निसार क्या होता है? तो जब राजा का जन्मदिन होता था या जब राजा बहुत खुश होता था, तब राजा अक्सर बाजार में निकलता था घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर बैठ के, अपने दोनों बाजू में वो सिक्कों की थैली रखता था और अपने दोनों हाथों से वो सिक्के उठा के आम जनता में न्योछावर करता था। उन सिक्कों को निसार बुलाया जाता है क्योंकि उन्होंने वो सिक्के निसार कर दिए। ये सिक्के थोड़े से अलग होते थे आम सिक्कों से, क्योंकि ये सिक्के खास उस मौके के लिए छपे होते थे। निसार है औरंगजेब की, और निसार के विपरीत ही एक होता है नजराना। अब नजराना क्या होता है? तो जब राजा के यहाँ पे कोई फॉरेन डिग्निटरी आए या कोई और उसे मिलने आए, या उसके यहाँ पे शादी हो रही है और उसे अपने समधी को, अपने रिश्तेदारों को कुछ खास चीज़ देनी हो जो आम ना हो, जो आपको ऐसे मिले ना, तो वो स्पेशल सिक्के बनाते थे राजा, जिन्हें नजराना या प्रेजेंटेशन इश्यूज़ कहा जाता था। तो ये सिक्के आम जनता में नहीं बटते थे, ये तोहफे के तौर पे दिए जाते थे, ये बहुत स्पेशली छपते थे, बहुत ध्यान दिया जाता था इनको छापने पे ताकि ये परफेक्ट हो, क्योंकि ये तोहफा है। और ये भी ज़्यादा छपते नहीं थे उस मौके के लिए, जितने छपे उतने छपे। निसार ज़्यादा छपती थी क्योंकि निसार को न्योछावर करना है, लेकिन नजराना कम ही छपते थे क्योंकि कम ही लोग राजा को मिलने आते थे। और नजराना है बीकानेर का गंगा सिंह बहादुर का। ये सिक्का खास है क्योंकि ये सिक्का छपा है मुल्तान के अंदर, और इस सिक्के से आपको ये पता चलता है कि मराठाओं ने मुल्तान पे भी कब्ज़ा कर लिया था। तो काफ़ी खास सिक्का है, काफ़ी रेयर भी है, आसानी से मिलता नहीं क्योंकि मुल्तान सिर्फ एक साल के लिए उनके हाथ में था। आलमगीर बादशाह के नाम का सिक्का है ये, और इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा फूल बना हुआ है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार इंडिया में आई, तो उन्होंने उस समय पे जो यहाँ पे चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर, उसकी काफ़ी अच्छी स्टडी की, और उन्होंने 3 मेजर फैक्ट्री सेटअप की थी। एक तो आपकी बम्बई में था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक कलकत्ता में था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और एक मद्रास में था, क्योंकि उन्हें तीनों पोर्टों पे कब्ज़ा करना था। उस जगह पे कैसे के सिक्के चल रहे थे उस समय, तो बम्बई मतलब आपके बॉम्बे के अंदर शाह आलम दूसरे के नाम के सिक्के चल रहे थे, बंगाल के अंदर भी शाह आलम दूसरे के, लेकिन मद्रास के अंदर मुग़ल का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, वहाँ पे लोकल हिंदू राज्य ही चल रहे थे अभी भी साउथ इंडिया में। तो वहाँ पे आपको सिक्कों के ऊपर हिंदू देवी देवता दिखते थे, तो उन्होंने ऐसे के सिक्के बनाए जो बिल्कुल उसी टाइप के थे जो चल रहे थे। तो कलकत्ता में शाह आलम सेकेंड का सिक्का बना दिया, बम्बई में शाह आलम सेकेंड का बना दिया, और मद्रास के अंदर उन्होंने हिंदू देवी देवता लगा दिए सिक्कों पे। 1820 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब ये हुई, तो मराठा सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। टीपू सुल्तान सबसे बड़ा था और उसके बाद मराठा अंग्रेज़ों का दुश्मन था। जैसे ही इन्होंने इनको डिफीट कर दिया, उन्होंने इंडिया का कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। तो 1835 के अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इतने सारे सिक्के हमें नहीं छापने, हम एक ही सिक्का छापेंगे, एक ही टाइप का सिक्का पूरे देश में चलेगा, और उसके ऊपर इंग्लिश राजा विलियम द फोर्थ होगा। तो उन्होंने ऐसे का सिक्का बनाया जिसके ऊपर विलियम द फोर्थ की चित्र डाल दी, और पीछे उसका जो भी डिनोमिनेशन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा उन्होंने। विलियम का जब चित्र आया तो लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी हो गई आम जनता में,
लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये एक ग्रेन टोकन है। तो 1874 के अंदर इंडिया में बहुत बड़ा फैमिन आया था बंगाल के अंदर वो एरिया में। तो तब क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने एक ग्रेन टोकन स्पेशल सीरीज शुरू की, जिसके अंदर ये ग्रेन टोकन जो है, अगर किसी के पास है तो वो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेशन शॉप में जाके उसको एक्सचेंज करके उसके अगेंस्ट इतना इक्विवेलेंट चावल, धान्य, गेहूं, जो भी है वो ले सकता है। तो ये सिक्का स्पेशली छपा था, इसके ऊपर इसका वैल्यू भी लिखा है 1 रुपी, लेकिन साथ में लिखा है ग्रेन टोकन, मतलब ये 1 रुपी खाली उस अनाज के लिए ही अलाउड है, वैलिड है, उसके अलावा इसका वैल्यू कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में प्रिंसली स्टेट के कुछ सिक्के, जिसमें से एक है उदयपुर का सिक्का। उदयपुर के जो राजा थे वो इंग्लैंड के राजा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, और उन्हें अपनी मित्रता उनके साथ दिखानी थी, तो उन्होंने अपने सिक्के के ऊपर ही लिख दिया दोस्ती लंदन, सयाजीराव गायकवाड़ III की। ये मशीन स्ट्रक कॉइन है। इससे आपको ये पता चलता है कि अच्छा, एक और चीज़ ये थी कि मशीन स्ट्रक सिक्कों का जो कंट्रोल था वो अंग्रेज़ों के पास था इस समय में। तो यदि आप एक प्रिंसली स्टेट के राजा हैं और अगर आपको मशीन के सिक्के छापने हैं, तो या तो आपको सिक्के उनकी मिंट में छपवाने अंग्रेज़ों की, जो बॉम्बे में थी, कलकत्ता में थी, या नहीं तो फिर आप स्पेशल परमिशन लेके मशीन इम्पोर्ट करेंगे और अपने राज्य में मशीन को इंस्टॉल करेंगे। तो बड़ौदा उसमें से एक राज्य था। कच्छ का सिक्का बहुत ही खास है। कच्छ आप बोल सकते हैं एक अकेला ऐसा राज्य था जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस कमेमोरेट करने के लिए एक सिक्का छापा। तो 1947-48 के अंदर ये सिक्का छपा था। उस दौरान इस सिक्के के ऊपर देवनागरी में लिखा हुआ है जय हिंद। ये एक सोने की मोहर है तकरीबन 15 ग्राम की। इसके ऊपर आपको भुज का फोर्ट भी दिखेगा। तो काफी खास सिक्का है। सिक्कों को हम एक टोकन के रूप में जानते हैं। आमतौर पर सिक्कों को एक धातु के छोटे से टुकड़े की तरह देखा जाता है। इन सिक्कों की गहराइयों को जानने की बहुत कम लोग कोशिशें करते हैं। तो अगली बार जब आप इस तरह के सिक्कों के संपर्क में आए, तो चंद मिनटों के लिए ही सही, उन दिलचस्प कहानियों के बारे में जरूर सोचें जो धातु के उस छोटे से टुकड़े के परतों के भीतर छिपा हुआ है।